सोनोटेक कैसेट्स। देखिए बहनों और मेरे भाइयों, ये हीर रांझा तमाशा आपको, ये हमारी कैसेट जो असली कैसेट है बुंद मास्टर की, ये सोनोटेक कैसेट खरीदना और हमारे प्रोग्राम का हीर रांझा का मजा लेना। साथियों बुजुर्गों दोस्तों, अब ये हमारा कैसेट मिलने का पता है हमारे रघुवेंद्र कुमार और ये हमारे रोहतास आर्य, ये सैदपुर चौराहे पे हमारी कैसेट मिलेंगी। और देखिए फिर तो जहाँ भी चल जाएंगे हर शहर में मिलेंगे, और ये हमारी कैसेट हीरांजे की कहीं से भी खरीदना, मगर धोखेबाजों से बचे रहना, ये कैसेट हमारी सोनोटेक में मिलेंगी। देखिए साथियों, अब आपके सामने ये प्रोग्राम हमारा जहाँ से शुरू हो रहा है, ये हीरांजा दोनों बाग में थे, उधर कौन, ये पटमल जो इसका भाई था हीर का, जब जाके मालन बताती है ये पटमल से कि तेरी बहन का कोई मिलने वाला आ गया है बगीचे में, तो अपनी बहन की बात को कैसे बर्दाश्त कर लेता। तो मेरे साथी बुजुर्गों दोस्तों, अब आपके सामने पटमल आ रहे हैं और देखिए पटमल फौज को लगाते हैं बागीचे में, और बागीचे में दोनों ही रांझा कैसे घेरे जाते हैं। शेर खान जरा इधर आओ। ये हुजूर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी बहन के बाग में कोई परदेशी आया है। परदेशी आया है? जी हाँ। तो फिर मेरे लिए क्या काम है बोलिए। तुम्हारे लिए इतना काम है कि अभी अभी मालन ने बताया है कि तुम्हारी बहन उस परदेसी से मिलने के लिए जा रही है। बहुत अच्छी बात है। फिर बहुत अच्छी बात है ना लाइक के बच्चे, एक बात सुनो, 500 जवान सजाओ और बाकी चौबंदी कर लो, उस परदेसी को जिंदा चाहिए मरवानी चाहिए। बहुत अच्छी बात। और जेंट्स पुलिस परदेसी को पकड़ने के लिए जाए। रेडियो पुलिस? ना लाइक, रेडियो पुलिस नहीं, लेडीज पुलिस। लेडीज किसको कहते हैं साहब? तू नहीं जानता? नहीं सर, मैं नहीं जानता। तुम्हारे घर में बीवी नहीं है? अच्छा, औरत को लेडीज कहते हैं। बहुत अच्छा हुजूर, जाओ और बात की चौबंदी करो। ठीक ठीक, वो परदेसी मुझे जिंदा चाहिए। राइट, चले जाओ। बहुत अच्छी बात है। अगर सुनो हुजूर, एक बात बतलाओ। कौन सी बात है? सवारी कैसे चलोगे आप? हम? हाँ, हम तो अपनी घोड़ी से चलेंगे। घोड़ी से? हाँ। तो हमारे लिए सवारी का जुगाड़ तो सरकार ऐसा है। कैसा? हुजूर सर, मैं तो अपने रिंगटे से चलूंगा। रिंगटा क्या चीज होती है? रिंगटा सवारी आपने नहीं देखी? अरे हमने तो नाम भी पहली बार सुना है। भाई वाह, लो बताओ, रिंगटा आपने नहीं देखा? जी हाँ। जब मैं लाऊंगा तो फिर जब देखना रिंगटा। जल्दी जाओ, हम तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा, तैयारी। हमारी बातें सुनो। सुनाइए। और पानी सो जानी और सजा दो मेरे योद्धा। और पानी सजानी सजा दो मेरे योद्धा, मेरी अराजी सुनो जी ये किनाए, परदेसी को मारी गिराऊं जी। सुनो जी ये किनाए, बागों में कैसे आई गया है जी। सही बात है, सही बात है। सर आ लेकर जाओ इनका। बहुत अच्छी बात है, उधर मैं जाता हूँ। चले जाओ। आज घोड़ी सज गई जी बासा पटमली की, पटमली की मेरी अरज सुनो जी ये गिनाए,
घोड़ी पे बैठ के जाई रहे हैं जी। मल चाले मेरी अरे जी सुनो जी ये किनाए शेर खान पीछे से आवे चलो चलो और चल के भी आए पटमल जी फूल बागो में पटमल जी फूल बागो में मेरी अरे जी सुनो जी ये किनाए बागो में जाने आई गए हैं जी। जो हमने कहा था हाँ? क्या बात है बस 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 ये चारा मांग रहा है रिंगटा चारा जाओ पुलिस को भेजो लेडीज पुलिस को भेजो बहुत अच्छा आप भी जाएं और परदेशी मुझे जिंदा चाहिए मरा भानी चाहिए ठीक है नहीं तो तेरी जान खींच लूं बहुत अच्छा हुजूर अंदर जाए चले जाओ सेंसा का ऑर्डर है क्या ऑर्डर है परदेशी बागीचे में आ गया है कोई क्या कोई परदेशी बागीचे में आ गया जी हाँ और उसको तार गिरफ्त करना है क्या बकते हो पत्नी उल्टे बोलते हैं ये कहो कि गिरफ्तार करना है जी हाँ चलिए जल्दी चलिए साहब हमारे होते हुए और बागीचे में किसकी हिम्मत हो चुकी है हाँ ये तो बात है खैर चलो मैं देखता हूँ हमारे दुर्गा जी तो बहुत बढ़िया है दुर्गा जी नहीं दरोगा जी बोलो हाँ दरोगा जी चलिए साहब एक काम करो बोलिए फौरन लेडीज पुलिस बुलाइएगा रेडियो पुलिस रेडियो नहीं बदतमीज रेडियो आइए आइए चलो चलिए चलो फटाफट आइए हुजूर आइए ये चलिए हीरे हाँ परदेशी मैंने कहा सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम देखो हमारा मिलन जी हाँ पहली बार हुआ है जब बड़े आदमियों का मिलन होता है या तो बाजी होती है या फिर वहाँ गाना बजाना होता है तो थोड़ा मनोरंजन हो जाए ठीक है परदेशी सुना दीजिए परदेशी कहिए हीरे देखिए मेरी बातें सुनिए हाँ आज मैं 64 साल खेलना चाहती हूँ आप मेरे साथ 64 खेलना चाहती हो जी हाँ 64 में कोई शर्त होगी हीरे हाँ शर्त होगी वो क्या होगी शर्त यह है परदेशी हाँ के जीतने वाले का 1 सवाल और हारने वाले की 100 सरपी जीतने वाले का 100 सरपी होती है हारने वाले का सवाल होता है एक सवाल होता है हाँ जीतने वाले को 100 सरपी मिलेंगी हारने वाले का एक सवाल होगा ठीक है मुझे मंजूर है आइए बाजी खेलते हैं अजरांझार गोरी गोरी हीरी बैठ गए दोनों बाजी बाजी पे
आज बाजी खेल रहे बागों में मन में खुशी अपार। आज बाजी खेल रहे बागों में मन में खुशी अपार। आज मैं तो हाथ का कंगना रख दो सर का ताजी, बैठ गए दोनों बाजी में। पहला फांसा डाल रांझे ने, पहला फांसा डाल रांझे ने। रांझे की हो गई जीत, बैठ गए दोनों बाजी पे। देखो पहला फांसा मेरा होगा। ठीक है, आइए बैठ जाइए। ठीक है परदेसी। किस्मत को आजमाना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत में जीत या हार है। एक दो और एक। आई परदेसी। क्या हुआ हीरे? आई परदेसी में तो मरी। हीरे हुआ क्या परदेसी? आप और मैं तो बाजी अच्छी बिच्छी खेल रहे थे हीरे जी। हाँ, और ये आपने अचानक से रोल में छा दिया, क्या हुआ? सुनिए परदेसी मेरी बात। आपको कोई खतरा दिखाई दे रहा है? जी हाँ। क्या? एज कहीं भी दुवक जा, तुम मेरे हाथ का मुझी बागों के परदेसी। आपके पैर पकड़ सकती हूँ परदेसी, तुम यहाँ से चले जाओ जी। ये शेरों का काम छुपने का नहीं होता, मर्दों का काम दुबकने का नहीं होता। वन के अंदर शेर एक रहता है और वहाँ तमाम भेड़िए गिद्ध लंगूर फिरते हैं,
वो शेर की से डर कर नहीं भागता ही रे। शेर की बात कर रहा, पांच पांच किलो रुड़कते चले जा। यो बाटो को कह रहा जो बाट चलते थे पहले, जो बाट के चक्कर में लगा पड़ा, वो पांच किलो का भट्टा होता था उसके चक्कर में। अगर शेर की पूंछ भी देख लेना इसे ना, तो यो साला दिल्ली से बाहर मिलेगा पेमेंट में। परदेसी हीरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं आपकी चाल को समझ गया। ये मुझे क्या मालूम था, ये हमारे बड़ों की दुश्मनी चली आ रही है। जो तुम्हारे बाप है राजा चूचक और हमारे बाप थे, उनकी हमारी दुश्मनी पहली है। ये मुझे मालूम नहीं था हीरे कि आप मुझे क्यों बुला रही है, किस लिए बुला है। नहीं ऐसा नहीं, अब मैं आपकी बात को समझ गया हीरे। अब मेरे साथ में क्या होने को जा रहा है। परदेसी मेरी बात सुनिए हीरे। हाँ मैं आपसे बताता हूँ। कौन सी बात है? सुनिए। अरे मुझको हीरे और हिले में लगाया, और बाजी के हिले लगाया तेने तीरिया मेरी अरजी सुने के ना। अरे भैया की फौज दिवाली जी, खाती हजार में छोड़ आया हीरे, और खाती हजार में छोड़ आया हीरे मेरी बात सुने के ना। दुबकिन में आया होनाई जी, धोखे से बुलाया। अब कह रही है दुबक जाओ। अरे भेज के चिट्ठी मुझे धोखे से बुलाया मेरी अर्जी सुने के ना। मरवाने को लिया है बुलाई जी, अब पहले मुझे मरवाने को बुला लिया। अरे कहती है दुबक जाओ। मारे कोड़ों के तेरी खाली उड़ा दूं, और मारे कोड़ों के तेरिया खाली उड़ा दूं मेरी अर्जी सुने के ना। अब जिंदी तुझे छोड़ने का ना हूं जी, बस सारे अपने आप ही करो फिर ये काम। अब यो कह रही बाग में दुबक जाओ, भैया को बुला लिया, फौज लिया मुझे मरवाने के लिए। कमी नहीं है परदेसी। और यो कह रही मेरी कमी नहीं है। मैं तुम्हें बार बार समझाती और मना करती हूँ, आप विनती करती हो परदेसी। हाँ मेरे भाई के साथ में 500 जवान और आपकी अकेली जान है, तुम यहाँ से चले जाओ जी। आपको मालूम है हीरे मैंने आपके लिए क्या क्या किया है? क्या किया तुमने? अब तखती हजारा छोड़ा मैंने, अरे छोड़ा कुणबा सारा, और रोता छोड़ा चुनवा प्यारा, रांझा नाम हमारा नहीं रे, रांझा नाम हमारा। हजारा छोड़ा मैंने, छोड़ा कुणबा सारा, रोता छोड़ा चुनवा प्यारा, रांझा नाम हमारा बही रे, रांझा नाम हमारा। दे
सब कुछ छोड़ दे हीरे। आज भेज के चिट्ठी हो आज भेज के चिट्ठी तक तू हजारे मैंने तुम्हें बुलवाया तेरे बिना रांझे परदेसी खाना तक नहीं खाया मेरे सपनों में आया परदेसी देखा मुखड़ा प्यारा तक तू हजारा तुमने छोड़ा छोड़ा गुलवाला वफा करी है हो आज वफा करी है वफा करूंगी सुन रांझे परदेसी ना तुमने देखी होगी ना देखी ही रे जैसी ऐसी बैसी बातों में मत आओ मेरे दिलदारा तक तो हजारा तुमने छोड़ा छोड़ा तुम वसारा तुम्हारे यहाँ रोने गाने से कुछ नहीं बनेगा क्योंकि बागीचा घिरा हुआ है 500 आदमी हैं 500 हाथी घोड़े हैं गरज आसमान को भाग रहा है हीरे और हम यहाँ दोनों बाग में अकेले हैं तो फिर क्या बात है परदेसी आप ऐसा करना क्या मैं तुम्हारे भाई से मिलने जाता हूँ पटमन से बाहर और तुम यहाँ बागीचे में बैठे रहना नहीं परदेसी मेरी बातें सुनी मैं आपको फिर भी समझाती हूँ और बार बार आपसे विनती करती हूँ कि आप यहाँ से बागी से चले चले जाइए कहाँ को कहीं भी निकल जाओ जी ऐसा नहीं होगा हीरे मैं आपसे भाई से मिलके जरूर आऊंगा उससे मैं दो बात करके आऊंगा क्या मेरे भाई से बहुत हाँ। मिलना चाहते हैं और तुम यहीं पर बैठे रहना ठीक है समझ गई समझ गई एक काम करा करते हैं क्या अगर अपने आदमी के खतरे में चला जाना जी हाँ। तो कहीं ना कहीं का सीनी प्रसाद बोल दिया करना मेरा आदमी ठीक ठाक लौट जाओ ठीक है परदेसी समझ गई मैं जा रहा हूँ ठीक है अगर झगड़ा उगड़ा होया ना तो तुम मत बाहर आना बाहर मत आना बहुत अच्छा समझ गई आप जाइए मैं जाता हूँ तुम्हें अपने सेट का मालूम है कौन होते आप क्या कहा सेट का मालूम है हाँ। तुम हमें नहीं जानते हम कौन हैं? कौन है आप हम दरोगा जी हैं। ये दार के थाने हैं। ए, कब कहे? दार का थाने अरे उसको कहते थानेदार जी हाँ वही है वही वही तुम कौन हो मेरे बारे में क्या मालूम करेगा क्यों मालूम करना कोई बुरी बात है क्या मैं तो परदेसी आदमी हूँ परदेसी आदमी है आप बताइए आपको आप परदेसी हैं तभी तो तुम पे कुछ रहम किया जा रहा है अच्छा जी हाँ वरना इतनी देर में तो कुछ कर देता फौरन बंद कर देता अच्छा देखो हमारा जो काम है हाँ। तुम्हें समझाने का है तुम अच्छे नौजवान हो हाँ। बड़े सुंदर लगते हो मेरे भाई हाँ। एक काम करो क्या साइड करो साइड साइड करो साइड करो ठहरो भी गोली नहीं चलाना एक काम करो अपनी जान बचा के कहीं को छुप जाओ जाओ अरे तुम्हें मालूम है बादशाह पटमल का बड़ा खतरनाक ऑर्डर है क्या आप बादशाह पटमल की फौज के कर्नल हो जी जी कर्नल हो कर्नल अरे कहो जो भी कहना है तुमको अच्छा 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 ठीक है तो ऐसा करो सभी एक ही साथ आ जाओ ए निकल जा बाहर नहीं आना सिंह की गोली मार दी जाएगी गोली का नंबर क्या बता है ना सिंह ना सीन की गोली होती है और क्या कहे तो पैंट टाइट की मारू पैंट टाइट अरे उसको बोलते हैं भैया एलजी के दाने तो होते हैं 800 एमजी की है 800 एमजी की 800 एमजी अच्छा जी और क्या
आइए इधर आइए आप। ग्राम समाज में तो हाथ निकालो, निकालिए हाथ निकालिए। ग्राम समाज जी हाँ हाथ निकालिए। अब इसको बोलते हैं गिरिवान। हाँ वो हाथ निकालना बाहर करो। ले चल बाहर करो। ये दिख रहा है तुम्हें ये क्या सामान है मेरे पास? क्या है? ये जायफल है। जायफल? अरे इसको बोलते हैं राइफल। राइफल हाँ। इसके अंदर तुम्हें मालूम है हाँ। कौन सा दाना पड़ता है? कौन सा? 3 नॉन 3। 3 नॉन 3 हाँ। आयल जी का वो राउंड वाला। इधर ली तरफ इतना सुराख, पल्ली तरफ भंबाड़। इसके अंदर? इसके अंदर। आर पार कर देता है एकदम। बड़ा खतरनाक। और क्या? चलो चलो। ये लेडीज पुलिस है जी। हाँ ये लेडीज पुलिस। अबे रेडियो पुलिस नहीं लेडीज पुलिस बोलो। हैं? अबे बोलता है साला रेडियो पुलिस। रेडियो पुलिस होती है? अबे लेडीज पुलिस है। हाँ लेडीज लेडीज। ये औरतों को गिरफ्तार करती है। अच्छा। हम मर्दों को करते हैं। अच्छा। हम इन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। ये आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे ऑर्डर हो जाए। चलो अभी चलो 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 बस ठहरो ठहरो अभी ठहरो। आप मेरे साथ सब साथ ही लड़ना। अब साथ? हाँ एक काम करो ये हथियार रखो नीचे। ये नीचे रख दूँ? हाँ ये हथियार अलग रख दूँ। और सबसे पहली बात ये होगी कपड़े काल के लड़ाई होगी। कपड़े काल के? वस्त्र नहीं होगा तन पे। ठंडी का टाइम चल गया। ये क्या चीज है तेरी? ये जैकेट है मेरी। जैकेट? जैकेट निकालो। जैकेट है गेटिस वाली। जैकेट है गेटिस वाली। सऊदी अरब से? सऊदी अरब से। आपके यहाँ कौन रहता है? मेरा भैया रहता है वहाँ। मेरा भाई? आपका भाई रहता है? और क्या सऊदीया से। उसे भेजिए जरा हमको दिखाओ। हैं? अबे हम भी मंगा लेंगे जी। दिल्ली से ले लेंगे। दिल्ली से ले लो। अरे सोना टैग वाले से मंगाएंगे सब। सब कलाकारों के लिए एक मंगा। एक जैकेट ऐसी? हाँ सोना टैग के मालिक लाके दे। चलो देख लो। अरे अव्वल तो क्यों किसी की बेइज्जती करो? बेइज्जती क्या बात है? अच्छा लो देख लो। देखने का कोई पैसा नहीं मगर रखना मत। दे देना मेरी वापस। ओए दरा ये जैकेट है तेरी? ओहो गड़बड़ हो गई। अबे साले बोगी सलवार ठो फिर या गड़बड़ हो गई। यूं कह रहे मेरी जैकेट कैसी वाली हो? ये हुजूर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जॉन से हुक पे मैंने अपनी जैकेट टांगी हाँ? वहीं है मेरी घरवाली ने अपनी सलक मलार टांग दी। अबे सलक मलार नहीं सलवार। सलवार सलवार हाँ? जैकेट वहां रह गई सलवार यहाँ गई दिल्ली। अब एक कमी और हो गई। क्या? अब इतने में यहाँ से सोना टैक्स से जाऊंगा नहीं हाँ? जब तक मेरी घरवाली घर में बड़ी बैठी रहेगी। ऐसा क्यों? इस पे एक ही है यही सलवार। हाँ यही सलवार है। अरे यार तू बड़ा अजीब आदमी है। बताओ अब इतने ऐसी बैठी रहेगी? ऐसे ही रहेगी। तो फिर लड़ाई शुरू? हाँ लड़ाई आइए चलिए लड़ाई शुरू कीजिए। सुनो हेलो। हाँ बोलो। लड़ाई होगी हमारे यहाँ की। तुम्हारे की लड़ाई? हमारे जंग सियाले की लड़ाई अलग है। अरे लड़ाई सब जगह की एक सी होती है। नहीं हुजूर हमारे यहाँ की अलग है। मैंने कह दिया लड़ाई शुरू तो शुरू हाँ। और मैंने कर दी छाछुच्चा तो लड़ाई बंद। मतलब आपने अगर कहा लड़ाई शुरू तो शुरू हाँ। और फिर आपने कहा छाछुच्चा लड़ाई बंद। यार छाछुच्चा लड़ाई हमने भी कभी नहीं लड़ी भाई है। हमने आज तक नहीं लड़ी छाछुच्चा लड़ाई। अरे इसमें नहीं मरता बाबूजी कोई भी। इसमें मरता नहीं हुआ? यो कैसे लड़ाई हुई? देखो लड़के देखो आज। अच्छा हाँ चल पहले तेरे की लड़ाई। चलिए आइए रेडी। देखा भाई लड़ाई? हम नहीं आप तो ठाका मार रहे। यो कह रहा अना छाछुच्चा भैया छाछुच्चा। मैं भी तो कह रहा हूँ कि लड़ाई मरती क्यों नहीं? जब मरने का टाइम है छाछुच्चा कहते हैं लड़ाई बंद हो जा। चलो आप अपने घर जाओ मैं अपने घर। क्या फायदा ना आप मरे ना मैं मरा। बेकार कोई फायदा नहीं लड़ाई में। जा रहा है? हाँ हाँ चल जाओ। अभी लड़ाई हुई तेरे की? हाँ जी ये लड़ाई हुई तेरे की? अब लड़ाई होगी हमारे की। आपके यहाँ की लड़ाई कैसी? हमारे यहाँ की जी। और लड़ाई होगी सारी फौज एक साथ होगी। सारी फौज की एक साथ हाँ। तो देखो चाहे तो जान से मार दो चाहे खत्म कर दो चाहे ठोड़ कर दो हाँ। मगर दम मत निकालियो। जान से मार दो जी।
खत्म कर दूं? हाँ जी। थोड़ कर दूं? जी। और जान से मारो ना। जान से मत मारी हो। ये क्या बात रही भाई? बच्चों बालदार आदमी है हम। अच्छा। जी जी जी, चल ऐसा ही करूंगा तेरे साथ। ठीक है, है ना? अब तू एक काम कर। बोलिए। सारी फौज एक साथ बोला। सारी फौज? हाँ। ए, रेडी प्लेस रेडियो। आइए आइए। सात बजे दोस्तों, ये रांधा बाग में अकेला था। पटमल ने 500 आदमी लगा रखे थे, मगर रांझे को 1700 पीर 7200 औलू की करामात थी। जब रांझे का कोई काम ऐसा पड़ता था, पीरों को याद करता था, खुदा का हुक्म हो जाता था, पीर उसकी मदद करते थे। तो देखिए साथियों, रांझे लड़ने जाता है, अपने पीरों को याद करता है, तो पीर मदद करने आते हैं। आज 1700 पीर मनावे मियां रांझा। पीर मनावे मुरली वाला, रब को अपने कर लिया यार, मुर्शद को अपने लिया है मनाई जी। और जाली जाला गया मियां रांझे को, गया मुरली वाले को मेरी अर्ज सुनो एक नाय, और फौज में पहुंच गए हैं जी। ऊपर वाले तू मेरी मदद कर मेरे माने। देखिए तमाम फौज मारी गई है। फौज मारी गई, हमारी यहाँ तरकीब थी, हम बच गए। अच्छा जी। हाँ, तेरी क्या तरकीब थी? हम मरो के नीचे घुस गए थे। मरो के नीचे, मरने वालों के नीचे। ये आदि चालू बहुत है। जी हाँ। अब इधर सुनो। बोलिए हुजूर। मगर जो पटमल है ना, हाँ, जिसकी मेरी दुश्मनी है, वो बागीचे के बाहर है। वो तो वहीं पर रहेगी। जी हाँ, है ना? जी, उसको बुला के लेके आओ। एक काम करियो मुझे, और उससे कहना तेरी सब फौज मारी गई है, और बाग में चल, रांझा बुलाता है तुझे। मुझे मत मारियो हुजूर। जा, तुझे नहीं मारूंगा। बस ठीक है, ठीक है। एक तो छोड़ना है बीच के लिए। आपकी बड़ी बानी मेहर होगी। जाइए। हुजूर आ गए। क्या बात है? वालेकुम सलाम। कहो फौज के क्या हाल है? अब खत्म, संभल गई। पागल का बच्चा। अबे संभल क्या करने गई है जी? अबे संभल क्या करने गई है फौज? संभल को नहीं कह रहा, आप समझो पहले मेरी बात को। समर गई बोल रहा हूँ। यानी कि हमारे 500 जवान सारे मारे गए? सब खत्म। लेकिन जब हमारे 500 जवान मारे गए जी, तो तुम जिंदा कैसे बचे? मेरी यहाँ तरकीब थी बाबूजी। क्या तरकीब थी? मैं मरो के नीचे घुस गया था। बहुत होशियार है। हमारे लिए क्या खबर है? खबर ये है, बुलाया है वहीं। परदेशी भागा नहीं? अपनी अगर खैर चाहे तो यहाँ मिलने आ जाए। मुझे कहाँ है? जी हुजूर। ठीक है, चलिए। शेर खान। हाँ जी। तुम हमारे साथ रहना। मैं तो जाने का नहीं। क्यों? ना जी ना। डरते क्यों हैं? चाहे मेरा अभी काट दीजिए आप। क्या नाम? पागल का बच्चा, पहले नाम बोला करते। हाँ, नाम को ही कह रहा हूँ। नहीं, तुम हमारे संग चलोगे। चलो। चलिए फिर, पीछे रहूंगा। पीछे रहना। जी हाँ, चलिए चलो। आज चल पड़े पटमली फूल बागो को। आज चल पड़े पटमल जी फूल बागो को, मेरी अरजी सुनो जी ये की नाय, बागो में जान आई गए हैं जी। और मैं देखूंगा
परदेसी। सही बात है आपकी, सही बात है। और मैं देखूंगा वो कैसा है परदेसी मेरी। अरे जी सुनो जी, ये की नाय बागों में कैसे आई गया है जी। चलो शेर खान, जा करके कहो यहाँ से भाग जा। बहुत अच्छा हो, नहीं तो गधे की दुम तुझे मार बहुत लगेगी। जाओ साइड हो जाइए आप, ऐसी कहना जैसे मैंने बोला है। ठीक है जाओ। भाग गया है, लगता है भाग गया है, भाग गया। बागीचा खाली पड़ा दिखाई देता है, कहीं नजर नहीं आ रहा, भाग गया लगता है मारे दहशत के। भाई वाह, हुजूर आदाब। और सुनाओ कहाँ है वो तुम्हारा पनमल? वो बाहर है साइड में खड़े, कह रहे हैं कि कह दे गधे की दुम से भाग जाएगा। गधे की दुम बता रहा है आपको? मुझे? जी हाँ। उरे को तो बुला के लाओ ना इसको। उरे को लाओ यहीं को? हाँ, तेरे जिज्जे बुला रहे हैं वहाँ। ऐसे ही बोल दू? हाँ। ठीक है, हमारा तो काम नौकरी का है। हाँ जाइए। ठीक है। क्या बात है? चलिए वहीं बुलाया है। वहीं बुलाया, भागा नहीं? ना जी ना, कह रहे हैं कि उनके जीजा बुला रहे हैं। शैतान का बच्चा, हमारा नाम सुन के तो भाग गया होगा। नहीं साहब, खड़े वहीं, आइए। वहीं खड़े हैं? आइए। ठीक है, तुम एक तरफ हो जाओ। ये देखो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम लेना इंसान की फर्ज है। हमारी बातें सुने। सुनाइए क्या कहना चाहते हो। सुनो। और कौन कहा के और रहने तो बाले मैं, कौन कहा के रहने वाले मेरी। अरे जी सुनो जी, ये की ना अपना तो मुझे नाम बताना जी। सुनो ये की ना आने का मुझे काम बताना जी। बोलो कैसे आए हो, क्या काम है तुम्हारा? अब ताखा ती हजारे का रहने वाला। अब खाती हजारे का रहने वाला मेरी बात सुने के लाल। और राझा मुझे कहे जमाना जी। जना राझा है ने बुलाया मेरी। अरज सुने कि ना हीरे से मिलने आई गया हो जी। और बागी बगीचे क्या कहियो तेरे बाप के। Give up.
बगीचे क्या कहियो तेरे बाप के मेरी। अरे जी सुनो जी ये किनाए बागों में कैसे घूमी रहा है जी। ये तेरे बाप के बाग है। यहाँ से तू भाग जा मेरी बात सुने के ना। अब जिंदा तुझे छोड़ने का ना होगी। मैं कहता हूँ पटमल अपनी जिंदगी बचा के अपने बच्चों से। और मैं कहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी बचा के यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे थोड़े यहाँ बगैर बुलाया। और कैसे जाओगे? तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया। हाँ बॉस, अगर बहन का नाम जमान पे लाए तो जमान खींच लूंगा। बेशक वैसे तेरे बेड़ों कह रहा। एक बात सुनो, हम तो आपको पहले ही कह रहे थे, बतरे दिनों से कह रहे थे। मैंने कहा देखभाल का जिला इंडिया का कहीं को रिश्ता कर दो। हाँ। मगर माननी आपने भी ना मेरी बात। क्यों? अब ये कहना रहा है, अब कह रहे हैं ये तुम्हारी बहन ने बुलाया। बताओ बोलो क्या तुम्हारा क्या चक्कर है कहने? हम तो बतला रहे हैं आपसे। तो शैतान का बच्चा ऐसे ऐसे मसले लाता है। परदेशी। हाँ जी। मैं राज से कह रहा हूँ फूलबाग से यहाँ से भाग जाओ। आप लड़ने की तैयारी कर लीजिए। लड़ोगे शेर खान? जब नहीं मानता तो कहिए हुजूर। इससे बोलो या तो यहाँ से भाग जाएगा नहीं तो लड़ाई का सामान कर लेगा। ठीक है ठीक है। बेकार क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? लड़ लड़ा कर अलग करो, निमटाओ। बिड़ौनी कितना इसका? थोड़ा सा तो बिड़ौनी है। सही कहता है। है नहीं? हाँ। देख लो मिजान। मैं तू भी साथ में लड़ेगा? ना ना ना, मैं ना लगने का धोरो। अच्छा। मैं तो पहला ही डरावा बतरा, पहला ही दगदबा ना आप लो सिमन लिया। अच्छा। हाँ जी, तो इसको भेज देना। आओ, मैं तो बतला रहा हूँ आपसे। आइए पटवल। हुजूर बोलो। चिंता का अलग करो, हम तो दो आदमी छोड़ने के ना। शेर खान। हाँ जी। इसे आज मैं तमीज देता हूँ, ये खुद पे खुद ही भाग जाएगा। परदेशी कहिए, भागोगे नहीं लड़ोगे? मर्दों का काम भागने का नहीं होता। लड़ोगे? लड़ाई होगी तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। आइए आओ। अबे मेरी टांग पकड़ के कह रहा है कि मार दो साले को, मार दो शैतान का बच्चा। आपका पैर था ये आपका? अबे तुझे दिख ही रहा किसे मारना किसे नहीं। मैं तो इस चक्कर में मैंने क्या उसका ही पैर है। मैंने सोचा एक पैर उन्होंने पकड़ लिया शहनशाह ने, एक तू पकड़ ले, अरे वही इधर को ले जाएंगे, मैं इधर को तिराट। मैंने क्या बीच में से फट जाएगा। शैतान के बच्चे, जब मैंने दांव लगाया था तूने एकदम टांग पकड़ ली। लो अब नहीं आने का, मैं अब लड़ लो अपने आप। होशियार है ना? हाँ होशियार रहूंगा। आओ परदेशी, लड़ाई शुरू है। शेर खान। कहिए हुजूर। जल्दी से घोड़ी लेकर के आओ। बैठिए बैठिए, तैयार है। आज घोड़ी पे
बैठ के पटमल भागा। अरे घोड़ी पे बैठ के पटमल भागे मेरी, अरे जी सुनो एक नाय, और घोड़ी पे तार खिलाऊं जी। हे अजबे कह जा रहा नहीं परदेसी, ये तुम ये क्या आज क्या कर रहे हो? अल्लाह को बुला ले परदेसी, देखो बचा भी लेगा तुझे अल्लाह। क्या कहा है रे परदेसी? कहिए क्या कहना चाहती हो? ये क्या कर रहे हो तुम? इसका काम नहीं उठाऊं जी? नहीं क्यों? सुनिए मेरी बात। सुनाइए क्या कहना चाह रही हो? ए जिम्मत ना मारो तुम मेरे हाथ का मुझे, बागो के वाला आई तो मेरा दूसरा कोई भैया है नाई जी। मेरी आरा जी सुनो एक नाय, मेरा दूसरा कोई भैया है नाई जी। आज बिना साले के ससुराल भी सुनी, साले के ससुराल भी सुनी मेरी हरा जी सुनो एक नाय, तुम्हें हुक्का भर कौन पिलावे जी। परदेसी कहिए रे, मेरी बातें सुनिए, आप मेरे भैया को मत मारिए, मेरा दुनिया में दो चार भाई। अरे चली दिल कल जा तिरिया, अरे फूल बागो से जी नहीं। अरे चली दिल कल जा तिरिया, फूल बागो से मेरी, अरे जी सुने के ना, अब जिंदा इसे छोड़ने का ना हो जी। तब आ गया से हीरे। हाँ परदेसी, ये साला अगर जिंदा रहा तो मुझे फिर परेशान करेगा जी। नहीं अगर मैंने इसका आज काम निपटा दिया ना तो फिर आराम से रहेंगे सुख से। परदेसी मैं देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी, मेरा दुनिया में दो चार भैया नहीं है, मेरा एक ही भाई। अरे एक ले तो बिगड़ा हुआ आयो। नहीं मान जाओ जी, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा भैया भी छोड़ दो। हारे भैया बचा ले, ये भैया बचा लेगी। मेरे भाई के ऊपर से हर जाओ ना तुम। साले ना पांच सौ आदमी लगाए मेरे पीछे से ना, साले इकला भी आकर बात कर सकता है? मेरी बातें सुनो, जो कुछ मेरे भैया की गलती होगी मैं अपनी गलती। अबे पांच सौ एक आदमी के लिए, पांच सौ आदमी एक आदमी के लिए, अपने भाई की गलती की मैं माफी मांगता हूं। आराम से इकला बात करता जी। नहीं मेरे भैया को छोड़ दो ना तुम, हटियो। इसे पता था ना मैं कामयाब हो जाऊंगा। मान जाओ ससुराल में साला है तो ससुराल है, वरना दुनिया में कुछ भी ना है। हटियो, देखो मेरे भैया क्या कह रहे हैं। हटियो पहले से। हाँ करवा क्या? एक शर्त है मेरी। कौन सी शर्त है? इसे मैं आज घोड़े पे बिठा कर भेजूंगा। अच्छा पीछे को इसका मुंह होगा। ठीक है
लगाम पूछ में कहना पड़ेगा जी, मुंह काला करगा जूतों का हार गले में डालगा। अच्छा अगर ये जावा छोड़ दूं, इतनी तकलीफ सजा मार दो मेरे भाई को। बस सजा हो इसके लिए। अरे भैया पटमा, तेरे कहने छोड़ रहे हूँ मैं। अरे जो तेरे जीजा कह रहे वो शर्त मंजूर कर ले रहे। ये तो पढ़ाई पढ़ा कर लूंगा क्या? हटियो मेरा भैया लुका रहा, पढ़ा पढ़ा कर लूंगा। पहले हाँ करवा ले हरामे बहुत हो, उसके बाद में हाँ कर लेगा। चल मैं हाँ कर। ए भैया इतना वजन खा मेरी छाती पे से उतार दे। अरे भैया धीरे धीरे कह दे रहे। अब कह दे ना छोड़, आना कर लूंगा जो काम। अरे कह दे, अब लुका दे सर मंजूर हो मुझे। अरे कह, तू ही कह दे बस। तू मर जा, तू भी मर ले उठा नासी। अरे पढ़ाई पढ़ा कर ले भैया तू। अब कह देना मंजूर है सर, खड़ा कर दो। ऐसे ना ना मारने तेरी जी जाए। चलो क्या हो जाए, क्या खड़ा हो। परदेसी बता कौन सी शर्त है, क्या चाहिए तुम्हें? अब आगे जाता मैं इधर, तुझे पहले मना कर दिया था भैया का। मेरे गिरबान मत पकड़ लियो, बताओ दे रही है नहीं? गिरबान मत पकड़ लो भैया का, इस चक्कर में मत फिरियो। पहले सारा तले निकल तो बदलेंगे नहीं हो भैया का। अपने पूरा पूरा साथ दूंगी मैं, इतना तुम्हारा भी देने की बता रही हूँ मैं अभी। बोलो कौन सी शर्त है, अब कह लो। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, दुनिया में भैया है तो सब कुछ है, वरना दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, सही बता रही मैं। सब कुछ आदमी से, भैया खत्म करवा। ना ना आदमी कोई बात नहीं है, भैया है तो सब कुछ है, आदमी आदमी बगैर दिन कट जा। अच्छा बहन। अरे भैया अगर तू ना होती तो आज एक दिन ना देखना पड़ता मुझे। नाचुबा बहुत है आप, चिंदे डालता जैसे कह रहे थे मैंने कहा कर लगा जा। ये भैया पटमन चल, जूतों का हार गले में घेर, कोई मैंने किसी का गले निकाले। चल जल्दी भैया। एक जो बात तेरे जीजा ने कही ना। क्या उसकी बात करियो, जीजा पिज्जा तेरा होगा। तू मर जा, सच बहुत रहा तू भी। एक तो मैंने तेरी जान बचवा दी। बोल क्या कहना है भैया। हाँ एक बात सुनो, जो शर्त है वो मंजूर कर लो ना। ठीक है मंजूर है, मेहमान बन के आ जाया करेगा हमारे यहाँ। ए जी सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हो। क्या कह रहे हैं? मेरा भाई कहता है कि मेहमान बन के मेरे घर पे आ जाया करेगा। हाँ तो मेहमान तो इसका है ही। और इससे बड़ी क्या है, जब भेजते चला जाएगा भैया। बोलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जाओ चले जाओ, मैं जाता हूँ। अरे साले की मोहब्बत की बात है इसलिए छोड़ दिया। अरे अपने जीजा सलाम दुआ तो कर। अरे कन्ने से कटेरी मिट्टी सबसे मीठा डाला, और भाई से भतीजा प्यारा सबसे प्यारा साला। मैंने कहा चल कोई बात ना छोड़ देता हूँ। अन्य साले पे गुस्सा बहुत आ रहा है बुजुर्ग दोस्तों। अब ये पटमल हार मान के रांझे से और अपने दरबार में जाता है, तो इसके घर में जो घरवाली थी जिसका नाम था चंदो, अब देखिए वो इंतजार देख रही थी कि मेरे पति लड़ने गए हैं। अब देखिए वो क्या कह रही है अपने पति से, दोनों की क्या बात होती है पटमल की उनकी घरवाली। हाय अल्लाह, जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, जान ही बच गई यही बहुत शुक्र है। आज वापस हो गए आज फूल बागों से, आज वापस हो गए जी फूल बागों से मेरी आराजी। सुनो जी ये की नाए महलों को जान जाई रहे हैं जी, जी सुनो जी ये की ना डॉडी पे जाने आई गए हैं जी। डॉडी पर कोई दासियां बांधी हमें नजर नहीं आ रही है। सलाम आदाब। आदाब दासी जी, जागर की कहो हमारी बेगम आराम में है, किसी काम में है? आराम में है। जागर की कहो कि सैन सालम महलों में आना चाहते हैं। मैं भी जा रही हूँ। चली जाओ बेगम साहब। आदाब। खुश रहो दासी, सैन सालम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या सैन सालम आ गए? जी हाँ।
तो दासी जाओ सैन सालम को महलों में दो। अभी बुला रही हूँ। सालम बोलो। चलो आपको वहीं बुलाती है। वहीं पर बुला रही है। चलो हम जाते हैं, तुम आराम करो। मैं चाय बना रही हूँ आपके लिए। बना लो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सैन सालम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई सैन सालम बैठिए, मैं आपके हाथ पैर दबाती हूँ। क्यों? क्योंकि राजा जी सैन सालम जी आज आप रण में गए थे, रण जीत के आए होंगे आज तो आप। नहीं नहीं, आपकी छाती से नमक मल दूं। नहीं बेगम साहब, तुम तो हमारी मजाक कर रही हो। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर गया था, मेरा वायदा था या तो मैं परदेसी को मारता या परदेसी मुझे मारता। सुनिए सैन सालम, लेकिन ऐसा हुआ कि परदेसी ने मेरी जान बचा दी, मैं बच करके और तुम्हारे पास लो आ गया। कैसी बातें कर रहे हो? आज एक काम करो, हमारा दिमाग ज्यादा खराब है, कोई तुम हमें अच्छी चीज सुनवाओ, कोई लोहरी सुनवाओ। सुनो मेरी बात सुनो सैन सालम। हाँ। हो ठंडा पानी मैंने गर्मी किया है। हमारे लिए? आपके लिए। अच्छा ये बात है तो। ठंडा पानी मैंने गर्मी किया है, मेरी आराजी सुनो एक किनारे, पानी में तुमको मिलाए दूंगी। ये बात है तो आपको पानी में कोई बात नहीं है बेगम साहब। अब तुम हमारी बात भी सुनो। हाँ सुना। अब मानस हो तो प्यारी लड़ू बागो में। हाँ। मानुष हो तो प्यारी मैं लड़ू बागो में, मेरी अरजी सुनो जी एक नाय, पीरो से पार बसती है नाई जी। नीले दैमन और काली कमलियां नजर आ रही हैं। अगर मानुष होता तो मैं लड़ता, लेकिन पीरों से मेरी भी पार नहीं बसी। नीले तैमन काली कमली उड़ती हुई मुझे नजर आई, लेकिन मैं वहाँ से हार मान आया। हार मान कर आ गए? और मैं थका हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज सुनवाओ, मेरी तबीयत खुश करो, कोई अच्छी सी लोहरी सुनवाओ। ठीक है सैन सालम, आप बैठिए, मैं आपको लोहरी सुनाती हूँ। सुनवाओ। आखी का तिल, भमी का तिल, तेरा तिल, तिल का तिल, और एक मेरी जान के लिए सैकड़ों का तिल का तिल। तो आईना है आईने के मुकाबिल का तिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना का तिल का तिल। और जिस पति पे चला उसी पति पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे, मुझे पास तो आने दे। ये बात है कबीर। बाहों का सिरहाना दूंगी। सही कह रही हो। थक जाएगा या विराहों में बाहों का सिरहाना दूंगी, बाहों का सिरहाना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं
प्यारी का रंगी भरी दूंगी, मैं प्यारी का रंगी भरी दूंगी। अच्छा, मैं बनूंगी पिया। ये बात मैं बनूंगी पिया तेरे घर का, दिया दिया पत्ती में जलाने दे साथी ना समझ। जीवनी के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेला, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे घर का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे घर का दिया, दिया बत्ती में जलाने दे साथ। हमारी रोहतास सारिया जी, ये 51 रुपए का पुरस्कार ये हमारी बेगम के लिए और पटमल के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बेगम साहब, कैसे हैं साला? अब तुम आराम करो और हम भी आराम करते हैं, ठीक है? तुम ठीक अपनी दासी को बुलवा करके अपने पैर हाथ दबाओ और हम भी अपने दरबार को जा रहे हैं। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। चलो।